इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को एशेज सीरीज के लिए टीम से हटाया जा सकता है। हाल ही में बेन स्टोक्स लड़ाई की घटना में आरोपी साबित हुए थे। अगर उनके ऊपर इस घटना को लेकर कार्यवाही चलती रहती है तो वह एशेज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। एशेज सीरीज से पहले यदि पुलिस इस घटना को लेकर स्टोक्स पर अपना फैसला सुना देती है तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड घटनाक्रम को देखते हुए एशेज में खेलने पर उनके नाम पर फैसला लेगी। पिछले महीने 25 सितंबर को बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स ने ब्रिस्टल शहर के एक क्लब के सामने किसी अनजान व्यक्ति के साथ झगड़ा किया था। इस झगड़े के दौरान उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगी और साथ ही स्टोक्स के हाथ में भी चोट लगी थी। इस झगड़े के कारण उन्हें और साथी खिलाड़ी एलेक्स हेल्स को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच में नहीं खिलाया गया था। इस घटना को कर अभी कार्यवाही की जा रही है। एवन और समरसेट पुलिस के द्वारा जांच एक महीने तक चल सकती है और साथ ही क्रिकेट अनुशासन समिति से जल्द इस घटना को लेकर फैसला सुनाने को कहा है। इस घटना को लेकर अधिकार का तौर पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन एक निजी न्यूज चैनल के अनुसार जब तक एशेज सीरीज का पहला टेस्ट नहीं खेला जाएगा वह टीम का हिस्सा बने रहेंगे, अन्यथा वह इंग्लैंड टीम का हिस्सा एशेज सीरीज के सभी मैचों के लिए नहीं होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम एशेज सीरीज के लिए 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। एशेज सीरीज की शुरुआत ब्रिस्बेन टेस्ट 23 नवंबर से होगी।